सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। वेलकम टू द कोड टर्मिनेटर्स 29th वीडियो। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ओके, तो चलते हैं अपनी पहली PDF की तरफ। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और जितनी भी वीडियो हैं उनको देखो और समझो। अगर कुछ नहीं आए तो वो पूछो, तो जल्दी से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, है ना। इसमें सारा जावा का मटेरियल दे रखा है। तो चलते हैं अपनी PDF की तरफ। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, वी नो दैट क्लास इज अ मॉडल फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। अपन जानते हैं कि अगर एक क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर कोई क्लास होगी तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। अ क्लास कंटेन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड वेरिएबल्स एंड एक्शंस एंड मेथड्स ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। मतलब जो क्लास है उसमें उस मेथड उस सॉरी उस क्लास वो जो क्लास है उसमें उस ऑब्जेक्ट का सब कुछ दे रखा होगा। उसके सारे एक्शन दे रखे होंगे, मेथड दे रखे होंगे, वेरिएबल दे रखे होंगे, इंस्टेंस दे रखे होंगे, सारा कुछ उस क्लास में दे रखा होगा, ठीक है। अब ये क्या लिखा है कि नाउ वी वॉन्ट टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ 3 नंबर विद द सेम मेथड देन। मतलब अपन अभी मैं अभी आपको सारा कुछ बताऊंगा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में। पर अभी एक चीज़ अपन देखते हैं कि अपन पहले क्या करते थे। अगर अपन चाहें कि स्क्वायर कैलकुलेट करें 3 नंबर का एक ही मेथड से, तो अपन क्या करेंगे। तो चलते हैं अपने सबसे पहले IDE की तरफ और एक नई क्लास बनाते हैं। तो एक मिनट, मैं देखता हूँ मेरा कौन सा वीडियो है। 29th वीडियो है, तो एक पहले नई फाइल बना लेते हैं, न्यू, इसके बाद क्लास। तो ये है अपना अपने पास। तो सबसे पहले ना अपन क्या करेंगे, वो सब बढ़ा लेता हूँ मैं। अभी क्या करेंगे अपन, एक मेन फंक्शन लगाएंगे। तो पहले मेन फंक्शन अपन ने एक लगा लिया, ओके। और उसके बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एक क्लास बना लेंगे। अभी अपन ए मतलब 3 नंबर का 3 नंबर है अपने पास, उनका स्क्वायर निकालना है एक ही उससे मेथड से, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए अपन क्या काम करते हैं, क्लास बना लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, जैसे कि स्क्वायर बना लेते हैं, स्क्वायर और ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर क्या करते हैं अपन, एक मेथड बना लेते हैं void और पब्लिक बना लेते हैं इसको, काम करते हैं void स्क्वायर, है ना। प्रिंट के नाम कैलकुलेट के नाम से बना लेते हैं, चलो ये ठीक है, कैलकुलेट। और इसमें दे देते हैं कुछ डबल करके, डबल एक वेरिएबल दे देते हैं और यहाँ पे एक सस आउट कर देते हैं कि एक्स इंटू, और नीचे उसका मीन है यहाँ पे क्या करते हैं कि इस स्क्वायर का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्क्वायर। और इस ऑब्जेक्ट से इस कैलकुलेट को अपन कॉल करेंगे। तो यहाँ पे अपन मान के चलो 2 का दे दिया, एस डॉट कैलकुलेट, यहाँ पे 3.45 और एस डॉट कैलकुलेट यहाँ पे दे दिया 9, ठीक है। तो अपन इसको पहले रन कराते हैं, रन एज कैलकुलेशन, हाँ सॉरी ये थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ से, हाँ। तो अपने पास 2 का जो स्क्वायर है वो 4 आ गया और 3.45 का 11.90 पूरा समथिंग कुछ आ गया और 9 का आ गया 81। तो ये तो हो गया बेसिक जो अभी तक अपन करते आए हैं। पर अभी फिर अपन PDF में चलते हैं कि और आगे क्या दे रखा है। ये तो वो हो गया जो अपन अभी तक करते आए हैं। पर अगर कुछ ऐसा हो
कि नाउ अवर सीनियर वांट अ प्रोग्राम इन विच स्क्वायर ऑफ अ नंबर रूट ऑफ अ नंबर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर इज कैलकुलेटेड विद द सेम मेथड. अगर अब कुछ ऐसा हो, अगर अपन से किसी ने अपन से ऐसे कहा है कि स्क्वायर ऑफ एक नंबर का स्क्वायर, एक नंबर का क्यूब और एक नंबर का स्क्वायर रूट, अपन को कैलकुलेट करना है एक ही मेथड से, एक ही मेथड का यूज करके अपन को कैलकुलेट करना है, तो अपन कैसे करेंगे? तो मैं थोड़ा सा इसको स्किप कर रहा हूँ और मैं पहले ना ये बताना चाहता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है ना, फिर मैं इसको इस प्रोग्राम को करूँगा. तो चलते देखते हैं पहले एब्स्ट्रैक्ट. तो एब्स्ट्रैक्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट इन इंग्लिश मीन्स एग्जिस्टिंग इन थॉट और एज एन आइडिया विदाउट कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस. मतलब कुछ ऐसा जो ख्याल में हो और सिर्फ अपन सोच रहे हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ अपन उसको सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, वो चीज़ इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, है ना. अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? अ मेथड दैट इज डिक्लेयर्ड विदाउट इम्प्लीमेंटेशन. मतलब अपन ने एक मेथड तो बना लिया पर उसकी बॉडी नहीं है. एक मेथड तो अपन ने बना लिया पर उसकी बॉडी नहीं है, तो ऐसे मेथड को कहते हैं अपन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. जैसे कि ये दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है कि एब्स्ट्रैक्ट. अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए अपन को एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा. तो एब्स्ट्रैक्ट वॉइड सम और अपन ने इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं और ये कॉलन लगा रखा है. बस ये है एब्स्ट्रैक्ट मेथड. और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है? इफ़ अ क्लास इंक्लूड्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड. अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड को अपने मतलब अंदर, अगर उस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो ऐसी क्लास को कहते हैं अपन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. जैसे कि अपन ने एक क्लास बना ली है एब्स्ट्रैक्ट क्लास कार, और उसमें एब्स्ट्रैक्ट वर्ड ओपन टैंक करके एक बना लिया है. तो चलते हैं अपन. अब इस एब्स्ट्रैक्ट का यूज क्या है? जैसे मान के चलो कि ये कार है, तो कार में, अब एक कार तो हो गई अपने पास, एक बेस क्लास हो गई. अब इसकी सब क्लास में अरे एक और चीज़ मान के चलो आप कि एक कार है, ये जो सारी कार है उनका यूनियन है, उन सारी कार का यूनियन है, वो पूरा एक कार है. तो कार तो हो गई अपनी बेस क्लास, और उसको सब क्लास करने वाले जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मारुति हो गई, सुजुकी हो गई, तो ये क्या है? ये उसको सब उसको ना इनहेरिट करेंगे. जैसे मान के चलो एक मोबाइल है, एक मोबाइल के फीचर्स होते हैं कि स्विच ऑन करने का फीचर होगा, एक कॉल करने का फीचर होगा, एक फ्लैश लाइट चलाने का फीचर होगा. तो ये सारा अपने पहले से बना के रख लिया. अब जो अलग अलग कंपनी है वो उसको इनहेरिट करेगी. जैसे अब स्विच ऑफ का वो हो गया, अपन ने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिया मोबाइल की बेस क्लास में. अब जो एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी क्या करेगी? उस मेथड को, जो स्विच ऑफ का मेथड, उसको इनहेरिट करेगी और उसमें फिर अपनी ट्यून लगा देगी. जैसे कि अपन स्विच ऑफ करें तो ये ट्यून बजनी चाहिए, लाइक दैट. तो सब अपना अपना अलग अलग तरीके से एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो अपन अब चलते हैं अपने प्रीवियस पे कि इसने क्या बोला था कि अपन को एक स्क्वायर नंबर का, एक स्क्वायर, एक नंबर का क्यूब और एक नंबर का स्क्वायर रूट एक ही मेथड से करना है. तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं अपन. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी में कर लेता हूँ, इसमें इस बार इसको थोड़ा सा हटा के. ठीक है, ये इसको हटा दिया और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ. ठीक है, ये मैंने कमेंट कर दिए. अब मैं क्या करता हूँ कि एक क्लास बना लेता हूँ, दोबारा से एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट करके और क्लास, और इसको नाम दे देता हूँ मैं माई क्लास. ऐसा हो गया. अब इसमें अपन क्या करेंगे कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लेंगे. तो एब्स्ट्रैक्ट वॉइड कैलकुलेट,
अब अपन ने कैलकुलेट मेथड क्यों बनाया, क्योंकि अपन ने अपन को तीनों में कैलकुलेट तो करना ही है, कुछ ना कुछ कैलकुलेट तो करना ही है, पर चीज़ें अलग अलग कैलकुलेट करनी है। मतलब कैलकुलेट करना है, यूज कैलकुलेटर का ही करना है, पर चीज़ें अलग अलग कैलकुलेट करनी है। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले लेता हूँ। अब अपन एक सब क्लास बनाएंगे जो माई क्लास को इनहेरिट करे। तो अपन क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं, स्क्वायर करना है ना पहले अपन को, तो एस क्यू यू आर स्क्वायर, और एक्सटेंड करेगा वो, एक्सटेंड क्या करेगा माई क्लास को। अब इसमें क्या करेंगे कि अपन को void कैलकुलेट का यूज करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें अपन को स्क्वायर करना है, तो सिस आउट कर देंगे सीधा सिंपल सा, और लिख देंगे यहाँ पे स्क्वायर, और ये अपना हो गया स्क्वायर का। ऐसे ही अपन सेम करेंगे, ऐसे ही अपन सेम करेंगे टाई के लिए, स्क्वायर रूट के लिए। तो स्क्वायर रूट के लिए अपन यहाँ पे इसको रूट नाम दे देते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, बट हाँ अब सॉरी, अपन को रूट के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट के लिए क्या करना पड़ेगा, मैथ क्लास को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन ऊपर मैथ को इम्पोर्ट कर देते हैं, इम्पोर्ट जावा डॉट लैंग वेज, लैंग्वेज का इसमें लैंग होता है, और मैथ मैथ ही ऊपर आते सिंपल सा। ऐसे अपन मैथ क्लास को इंपोर्ट करते हैं, इसमें फिर इस मैथ क्लास में बहुत सारे अपन को फंक्शन दे रखे हैं, प्री फंक्शन दे रखे हैं जो पहले से ही डिफाइन है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपन मैथ क्लास का यूज करेंगे, डॉट लगाएंगे स्क्वायर, अब स्क्वायर का स्क्वाट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे अपन कुछ भी, अब जो अपने पास एक्स है वही यहाँ पे रखा रहने देंगे। और अगला अपन को करना है क्यूब रूट का, तो ऐसे ही अपन सेम यहाँ से कंट्रोल पेश करा, और इसका नाम रख देंगे अपन क्यूब, और यहाँ पे अपन सिंपल सा क्यूब करेंगे, और यहाँ पे एक एक्स का मल्टीप्लाई और कर देंगे। अब अपने पास देखो, अपने पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, उस मेथड का यूज करते हुए, उस क्लास और उस मेथड का यूज करते हुए अपन ने तीनों क्लास में सेम नेम से ये बना लिया, सेम नेम से मेथड बना लिया। काम तीनों का अलग अलग है पर नाम सेम है, ठीक है ना। तो अब अपन इस मेन क्लास में क्या करेंगे, मेन क्लास में तीनों का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, जैसे स्क्वायर है अपने पास, स्क्वायर एस इक्वल्स टू न्यू, और एक बना लेंगे अपन रूट का, रूट आर इक्वल्स टू, और एक बना लेंगे अपन क्यूब का, क्यूब सी इक्वल्स टू। इन तीनों अपडेट की मदद से कैलकुलेट को अपन कॉल कर देंगे, एच डॉट कैलकुलेट, और यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं कुछ भी, जैसे 6 दे दी, आर डॉट कैलकुलेट, और यहाँ पे अपन दे देते हैं 64, और यहाँ पे हो गया क्या, ठीक है चलो, इस यहाँ पे देंगे अपन 6, और यहाँ पे देंगे 64, और एक बना लेंगे अपन सी का, सी डॉट कैलकुलेट, और यहाँ पे क्यूब है, क्यूब का अपन 9 दे देते हैं, है ना, 9 पॉइंट कुछ दे देते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब अपन ने देखो इसमें क्या क्या चीज़ करा है, कि अपन ने सबसे पहले ऊपर एक
माई क्लास नाम से एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बनानी पड़ी, क्योंकि अपन उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, इस वजह से बनानी पड़ी। अब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अपन को इन तीनों क्लास में इनहेरिट कर दिया। अब इस इनहेरिटेंस की वजह से क्या हुआ कि अपन ने सेम नेम से तीन अलग अलग मेथड बना लिए, जो काम अलग अलग कर रहे हैं पर नेम सेम है, ठीक है। तो ये काम होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। अपन इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं कि क्या। हाँ, तो अपन एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। कॉन्फ़िगरेशन 4096 क्यों दिया इसने स्क्वायर। ओके। मैंने क्या है कि जो रूट और क्यूब नाम की क्लास है वो मैंने पहले वाले कुछ प्रोग्राम में बना रखी हैं, इस वजह से वो स्क्वायर को लेके चल रहा है। मैं इसको रूट और क्यूब को रूट वन और क्यूब वन कर देता हूँ, और यहाँ पे भी इसको चेंज कर देता हूँ। सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने रूट नाम की और क्यूब नाम की क्लास पहले से बना रखी है, कुछ पहले प्रोग्राम बनाए थे उनमें बना रखी हैं। तो अब देखो इसको चला के दिखा देता हूँ आपको। तो आ गया अपना ये 6 का स्क्वायर हो गया 36, 64 का रूट हो गया 8, और 9.12 का क्यूब हो गया 758.55। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब समझ में आ गया आपको कि क्या करा अपने, है ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब सेम चीज़ है, नाम को यूज तो वही करा अपने, पर चीज़ें अलग अलग करी, है ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ऐसा मान लो कि एक मान के चलो एक जायदाद है, एक प्रॉपर्टी है, किस बड़े पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, तो उसमें अब उनके कुछ बच्चे हैं, तो उसमें उनका एक बच्चा कुछ और कर रहा है उस प्रॉपर्टी से, दूसरा बच्चा कुछ और कर रहा है उस प्रॉपर्टी से, तीसरा बच्चा कुछ और कर रहा है उस प्रॉपर्टी से, पर प्रॉपर्टी तो सेम है। तो बस यही है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रोग्राम लूँगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के, जिससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा, है ना। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करो, ठीक है ना। जो चीज़ समझ में नहीं है वो कमेंट करो, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप देख रहे हो। ओके।